हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इजी ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं वॉइस राइज ऑफ इंडिया। बड़ा ही इजी ट्रिक है, दो सेंटेंस याद करने हैं और उसके बाद आपको इस वॉइस राइज जो है बिल्कुल पता चल जाएंगे कैसे याद करने हैं। तो जैसे कि आपको पता है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गवर्नर जनरल जो थे वो हटा के जो है वॉइस राय इंट्रोड्यूस किए थे। तो आज देखते हैं हम कौन कौन से वॉइस राय। तो इसके लिए जो आपने दो सेंटेंस याद रखने हैं, फर्स्ट है सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लेफ्टिनेंट रिपन। तो फर्स्ट आपने इतना याद रखना है, सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लेफ्टिनेंट रिपन। और जो दूसरा है वो ये याद रखना है, दिल्ली सीएम हैज क्राइड विदाउट लॉ विदाउट मिनिस्ट्री। तो ठीक है, आपने सिंपली ये दो याद रखने हैं, इन्हीं से आपका जो है आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इनको याद रखना है। तो पहले हम देखेंगे सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लेफ्टिनेंट रिपन। सेंट्रल का सी, सी से आगे कैनिंग, जो फर्स्ट आपको पता है लास्ट गवर्नर जनरल भी था बंगाल का, और ये फर्स्ट जो था लास्ट गवर्नर जनरल भी था इंडिया का और फर्स्ट जो वॉइस रॉय भी था इंडिया का। तो लॉर्ड कैनिंग आगे सी से, ईस्ट ई से आगे एल्गिन, जे से जॉन लॉरेंस, एम से लॉर्ड मायो, फिर नॉर्थ बुक, लिटन और रिपन। तो सिंपली आपको कुछ नहीं याद रखना, सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन एंड रिपन, इससे आपका याद आ जाएगा। रिपन के बाद आया कहाँ से डफरी, तो आपने याद रखना है दिल्ली। दिल्ली को आपने रिमाइंड ऐसे रखना है डी एल ई से दिल्ली याद रखना है, डी से आगे डफरी, एंड से एल से लैंसडाउन और ई से एल्गिन टू, तो दिल्ली। फिर सी एम चीफ मिनिस्टर, सी का आ गया कर्जन, एम का आ गया मिंटो टू, हैज का एच लेके आपने हार्डिंग आ गया। फिर क्राइड जो है, क्राइड का आपने सिर्फ सी आर आई लेना है क्योंकि दिल्ली सी एम जो है वो क्राई किया, तो सी आर आई, तो सी से आ गया कैम्सफोर्ड, आर से आ गया रीडिंग लॉर्ड रीडिंग, आई से आ गया इरविन, रीडिंग के बाद इरविन आ गया, उसके बाद विदाउट का डब्ल्यू आ गया वेलिंगटन, एल लॉ से आ गया लिंथको, फिर विदाउट डब्ल्यू से आ गया बेवेल और मिनिस्ट्री एम से आ गया माउंटबेटन। तो ये हमारा आज का जो है इजी ट्रिक था जिसे हमने याद किया हमारे वॉइस राइज ऑफ इंडिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर। अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए, नया ट्रिक चाहिए, कुछ आपको रिमाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।